दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर तमाम देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का त्यौहार है होली और ये त्यौहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। तो यह अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर तमाम देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली त्यौहार की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का त्यौहार है होली, ये त्यौहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तमाम देशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा है, आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का त्यौहार है होली और ये त्यौहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। तो होली उत्सव को लेकर लगातार तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट कर तमाम प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बधाई दी जा रही है और कोरोना के चलते तमाम एहतियातों का, तमाम नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली मनाने को लेकर रोक लगाई है। ये कहा गया कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तमाम देशवासी भी होली पर्व को सुरक्षित तरीके से मनाएं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तमाम देशवासियों को होली पर्व की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का त्यौहार है ये होली, ये त्यौहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। तो ये होली का पर्व साल भर के सबसे बड़े पर्वों में से एक माना जाता है और लगातार तमाम नेताओं की ओर से इस पर्व को लेकर शुभकामनाएं साझा की जा रही हैं। तमाम प्रदेश और देशवासियों तक इस पर्व की बधाई ट्वीट कर तमाम नेता पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर होली की शुभकामनाएं दी हैं। तमाम देशवासियों को होली की बधाई दी, आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का त्यौहार है होली, उन्होंने लिखा। और आगे उन्होंने लिखा, त्यौहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी और अहम खबर की ओर।